दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से म्यूजिक इक्विपमेंट आपके स्टूडियो के लिए बेस्ट रहेगा और कौन कौन से म्यूजिक इक्विपमेंट आपको परचेज करना चाहिए अगर आप भी होम स्टूडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कौन सा आपको लैपटॉप खरीदना है या फिर कौन सा डेस्कटॉप खरीदना है, हेडफोन कौन सा खरीदना है, मॉनिटरिंग स्पीकर कौन सा खरीदना है, साउंड कार्ड कौन सा चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी होम स्टूडियो खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपका वेलकम है। मैं आपको सारे इक्विपमेंट के बारे में डिटेल से आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो में 100 लाइक्स ही सिर्फ आप लोगों को पूरे करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको खरीदना चाहिए। दोस्तों लैपटॉप या डेस्कटॉप पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उसकी स्क्रीन भी काफी ज्यादा बड़ी रहती है, जहां पर आप आराम से बैठ के म्यूजिक प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं और मल्टी ट्रैक पे जब आप काम करेंगे तो उस समय आपको डेस्कटॉप काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वहीं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि म्यूजिक प्रोडक्शन का काम हम कहीं से भी कर सके तो वो एक लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लैपटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं। और इवेंट ट्रैवल में भी आप इसके ऊपर म्यूजिक बना सकते हैं या फिर किसी तरह के ट्यूटोरियल बना रहे हैं म्यूजिक के तो आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के। और लैपटॉप वालों को एक और फायदा है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं तो मैं आपको कंसीडर करूंगा कि ऐसा लैपटॉप लें जिसके अंदर i3 प्रोसेसर हो और जेन 10 से ऊपर का हो। और साथ ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 8GB रैम लेना है और इससे ऊपर आप जितना जा सकते हैं, 16GB लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपके लैपटॉप में कम से कम 256GB का SSD होना चाहिए, इससे ऊपर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको काम करने में आसानी होगी। लैपटॉप स्क्रीन साइज की बात करें तो मिनिमम 15.5 इंच का आपको यहाँ पे लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए। अगर आप हैवी काम नहीं करते, जैसे ग्राफिक वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर विदाउट ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स वाला काम कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लीजिएगा जिसमें मिनिमम 6GB VRAM हो, यानी ग्राफिक्स रैम हो, और यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके डेस्कटॉप के लिए भी रहेगा। यहाँ पर एक बोनस टिप्स आपको देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि विंडो पे काम ना करके मैक के ऊपर काम किया जाए तो आप यहाँ पे मैक मिनी ले सकते हैं। M3 M2 वाला आपको यहाँ पे मैक मिनी मिल जाएगा। फिलहाल मैं भी मैक मिनी ही यूज कर रहा हूँ जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, विंडो से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पे मैक मिनी ले सकते हैं। मैक मिनी में मिनिमम 16GB रैम भी आपको लेना है, इससे नीचे लीजिएगा तो काम करने में काफी ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। और मैक में आपको 512GB SSD वाला वेरिएशन लेना है। अब बात करते हैं कौन सा ऑडियो इंटरफेस आपको लेना चाहिए, यानी साउंड कार्ड कौन सा लेना चाहिए जिससे आप माइक को कनेक्ट करके अपनी मॉनिटर को कनेक्ट करके ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। दोस्तों दो ही ऑडियो इंटरफेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बाकी जितने भी ऑडियो इंटरफेस आते हैं उसका उतना ज्यादा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो सबसे ज्यादा अच्छा है और सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है। तो सबसे पहले आता है फोकसराइट। दोस्तों फोकसराइट का Gen 4 का ऑडियो इंटरफेस आ चुका है जिसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आज के टाइम पे इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दिया गया है जिसके अंदर आपको इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप फोकसराइट कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप स्कारलेट 2i2 लेना, अगर आपका बजट कम है तो स्कारलेट सोलो ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना फोकसराइट ही लेना, इससे नीचे का वर्जन मत लेना क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है अगर आप दूसरा कोई ऑडियो इंटरफेस परचेज कर लेते हो तो। और दूसरा जिसको मैं खुद यूज करता हूँ ये है ऑडियंट का ID14 जो आप ले सकते हैं। इसके 2-3 वर्जन आते हैं जिसको आप परचेज कर सकते हैं, ऑडियंट का ID4, ID14 और ID44 भी आता है। ऑडियंट का ID4 आप ले सकते हो जो कि सबसे बेस्ट है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस ऑडियो इंटरफेस के नोब की एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसको अगर आप घुमाएंगे तो कोई भी चर्चर की साउंड आपके स्पीकर से नहीं आएगी, इसलिए अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ऑडियंट ID4 या ID14 को परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोफोन के। दोस्तों माइक्रोफोन दो तरह के आते हैं, एक आता है कंडेंसर माइक्रोफोन जो स्टूडियो में यूज होता है, एक आता है डायनेमिक माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन का उतना ज्यादा चलन नहीं है, ये ज्यादातर स्टेज प्रोग्राम में यूज होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडेंसर माइक्रोफोन की क्योंकि ये स्टूडियो में यूज होता है जहां पर हम वोकल के एक एक डायनेमिक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला माइक्रोफोन मैं कंसीडर कर रहा हूँ परचेज करने के लिए वो है रॉड NT2A माइक्रोफोन। रॉड की तरफ से आने वाला ये सबसे अच्छा माइक्रोफोन है जिसके अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर कार्डियोड, ओमनी डायरेक्शनल, इस तरह के बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जिसमें 2-way में आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने रॉड का NT1A भी यूज किया है, NT1 भी यूज किया है, लेकिन वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और अभी के टाइम पे ट्रेंड में भी नहीं है, इसलिए आपको उस माइक्रोफोन को परचेज करने से बचना चाहिए। आप रॉड का NT2A माइक्रोफोन परचेज करें, इससे नीचे का कोई भी वर्जन परचेज ना करें। नेक्स्ट माइक्रोफोन आता है जो अभी मेरा फेवरेट है और जिस माइक्रोफोन से अभी करेंटली ये वीडियो बन रही है, ये है लुइट का LCT440 प्योर। ये आता है लुइट का LCT440 प्योर के नाम से और ये माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, इसका लाजवाब परफॉर्मेंस है और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वोकल के लिए तो स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और
डेलक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो माइक्रोफोन आता है वो आता है AKG की तरफ से। अगर आपका बजट अच्छा है तो इस माइक्रोफोन को आप जरूर परचेस करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माइक्रोफोन है। एक एक डायनेमिक्स आपके वोकल की रिकॉर्ड करेगा। इस माइक्रोफोन का मॉडल है AKG C414XL2। इसके बाद अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ये माइक्रोफोन परचेस कर सकते हैं। ये आता है न्यूमन की तरफ से, न्यूमन TLM102, जो कि स्टूडियो के लिए स्पेशली माइक्रोफोन है, और इसमें आपकी वोकल बहुत ही लाजवाब रिकॉर्ड होती है। इसको मैंने भी स्पेशली यूज किया है, बहुत ही अच्छा साउंड है, बहुत ही जबरदस्त साउंड है। तो साउंड के मामले में ये माइक्रोफोन किसी भी माइक्रोफोन को पीछे छोड़ सकता है और बहुत ही अच्छा आपको एक क्वालिटी दे सकता है स्टूडियो के लिए। ओके, तो अब जो यहाँ पे नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट की, वो है हेडफोन, क्योंकि हेडफोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप लेंगे तो आपको एक हेडफोन भी चाहिए होगा, और हेडफोन कोई नॉर्मल हेडफोन आपको नहीं लेना है, ये मॉनिटरिंग स्टूडियो हेडफोन लेना है जो कि स्पेशली बना होता है आपके स्टूडियो के काम के लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हेडफोन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपके स्टूडियो के लिए, वो है सनाइजर का HD280 Pro, और ये भी एक अच्छा हेडफोन है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सनाइजर का एक और बजट हेडफोन है जो कि HD200 Pro के नाम से आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी बजट हेडफोन है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट हेडफोन ऑडियो टेक्निका की तरफ से आता है, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, जिसका मॉडल है ऑडियो टेक्निका ATH M2X, जो बहुत ही अच्छा हेडफोन है और इसको भी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स के लिए जो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है और आप चाहते हैं कोई बड़ा स्पीकर लिया जाए स्टूडियो के लिए, तो आप ये मॉनिटर कंसीडर कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यामाहा की तरफ से आता है HS5 HS8, इस तरह से मॉडल इसके आते हैं, जो कि 5 इंच 8 इंच में आता है, छोटे बड़े साइज में आता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये मॉनिटर पेयर मिलता है, यानी कंबाइंड होता है, लेफ्ट राइट मॉनिटर होते हैं, दो मॉनिटर एक साथ में मिलता है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद एक और मॉनिटर है जो KRK की तरफ से आता है, Rocket 5, जिसको मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। वैसे मैं Gen 4 का मॉनिटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप Gen 3 का मॉनिटर लेना, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे हैं और साउंड क्वालिटी भी इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो मॉनिटर स्पीकर आता है वो आता है Adam Audio की तरफ से, जो एक प्रोफेशनल T-सीरीज का मॉनिटर है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। जो पहला पेयर मॉनिटर है उसका मॉडल है T5B, जो 5 इंची में आता है और बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। अभी के टाइम पे ये यामाहा और KRK से सबसे आगे चल रहा है, और अभी सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में इसी की है, तो आप Adam Audio को परचेज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ जरूरी इक्विपमेंट जो आपको परचेज करने चाहिए आपके स्टूडियो के लिए, और इसके अलावा जितने भी एसेसरीज या बाकी पार्ट्स आते हैं उसको मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया इस वीडियो में। तो इसके अलावा जितने भी चीजें आती है वो आप अलग से परचेज करके सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।